हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, घिरनी के बारे में हम समझ रहे थे यांत्रिकी की कुछ समस्याओं के अंतर्गत, जिसमें हमने दो स्थितियां जान ली थी कि एक घिरनी से दो पिंड लटके हुए थे और दूसरे में एक तल पर एक पिंड रखा था और घिरनी से एक लटका हुआ था। आज हम तीसरी समस्या की ओर चलते हैं। तीसरी समस्या में हमसे कहा गया कि एक तल है हमारे पास इस तरह से, आनत तल बोलते हैं हम इसे। कौन सा तल? आनत। इस तरह का एक तल है, इस तल पे एक पिंड रखा हुआ है। कितने कोण पर है यह आनत तल? थीटा कोण पर। आनत इंक्लाइन प्लेन मींस एक झुका हुआ तल है और इस पर एक पिंड को हमने क्या कर दिया? रख दिया। इसका द्रव्यमान भी हम कह दे रहे हैं कितना है, एम वन है। इसे एक रस्सी से बांधा और यहां पर एक घिरनी लगी हुई थी छोटी, उस घिरनी से गुजार कर इसे एक बड़े से पिंड से हमने क्या कर दिया? लटका दिया। समस्या वैसी ही है जैसे पीछे की थी, बस यहां पर ध्यान रखने वाली बात है इस पिंड से हमने इसे क्या कर दिया? लटका दिया। एम टू द्रव्यमान का पिंड है और यह कितने त्वरण से? ए त्वरण से कहां की ओर चढ़ रहा है? ऊपर की। तो ए त्वरण से कहां की ओर जाएगा? नीचे की। अब आपसे कहा गया डोरी में तनाव बल और त्वरण के मान ज्ञात कीजिए। डोरी में तनाव बल और दोनों पिंडों के त्वरण एक ही होंगे, त्वरण दोनों में तनाव बल भी एक ही होगा क्योंकि ए इधर को लगाएगा तनाव बल, इसका तनाव बल ऊपर की ओर होगा। कन्फर्म है? हमें टी ज्ञात करना है और किसका मान ज्ञात करना है? त्वरण का मान। इस पिंड पे अगर हम बात करें, इसका भार तो निश्चित ही तौर पर कहाँ की ओर काम करेगा? एम टू जी नीचे को काम करेगा। इस पे तो सभी बल लग गए, इससे ज्यादा बल लगेंगे भी नहीं। एक चीज पीछे की, इसका भार कहाँ की ओर काम करेगा? बिल्कुल नीचे की ओर काम करेगा। अब हमारी गति तल पर है, भार लग रहा है नीचे की ओर, तो हमें तल के संतुलन के बल चाहिए। किसके? तल के। गौर करें, इस भार mg के दो घटक टूटेंगे, एक इधर को टूटेगा, एक इधर को टूटेगा। क्यों टूटेंगे इधर को इधर को? यह एंगल होगा थीटा, तो यह कितना होगा? mg cos थीटा। जिस घटक के साथ कोण होता है उस घटक में क्या आता है? cos आता है। पीछे पढ़ाया वेक्टरों का वियोजन, वीडियो देखें, वेक्टरों के वियोजन में इस बात को हमने क्लियर किया। तब भी हमने बताया था कभी ऐसे नहीं याद करें क्षैतिज में कॉस, ऊर्ध में साइन। याद रखें, जिस घटक के साथ कोण होता है उस घटक में कॉस आता है, जिस घटक के साथ कोण नहीं होता है उसमें साइन आता है। तो इस घटक में क्या आएगा? साइन। एम जी साइन थीटा। हमारे पास दो घटक हो गए, एक घटक हो गया mg cos थीटा, एक हो गया mg। इस पे प्रतिक्रिया तल के लंबवत काम करेगी तो रिएक्शन हो गई r। पूरी बात एक बार फिर से देख लें, हम इस पिंड की बात कर रहे थे, थोड़ा चित्र बड़ा बना देते हैं। इसका भार mg कहाँ की ओर काम करेगा? नीचे की ओर। एंगल था थीटा, तो इसके कितने घटक टूटेंगे? दो, एक तो इधर और एक इधर। अगर ऐसे होता तल, mg कहाँ की ओर काम करता? नीचे के, तो इसके दो घटक टूटते। कौन कौन से? एक तल के लंबवत ऐसे और एक इधर को, एक दाएं और एक बाएं। ध्यान रखना इस बात को। इसका यह कितना कोण होगा? थीटा। तो ये कितना टूटेगा? mg cos थीटा। और यह कितना टूटेगा? mg sin थीटा। अगर हम इसमें तोड़ते तो क्या टूटते? यह कोण होता थीटा, क्यों? तो ये टूटता mg cos थीटा और यह टूटता mg साइन थीटा। कन्फर्म इतनी बात? तो इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि हमने वहां चित्र में बना लिए, केवल समझाने के लिए कुछ बड़ा किया था इसको। चल ठीक, अब देखें, पहले हम इस पर बलों का संतुलन करें। एम वन द्रव्यमान के पिंड पर बलों का
संतुलन। चल रखा है पहले नंबर फर्स्ट पार्ट, तीसरी स्थिति चल रही है नंबर ए पार्ट, तल के लंबवत दो होंगे यहां, तल यह है तल के लंबवत क्या क्या है, आर माइनस एम टू एम वन है, यह भी एम वन है, ध्यान नहीं रहा लिखने का, एम वन एम वन जी कॉस थीटा बराबर एम वन इंटू जी। कुछ समझ में नहीं आया, कैसे लिख दिया सर आपने तो लिख दिया, कैसे लिख दिया इस चीज को समझें। तल यह है तल के लंबवत प्रतिक्रिया, तल के लंबवत पे यही दोनों विपरीत है, तो यानी ये क्या होने चाहिए, घटने चाहिए। किस में से किसे घटाओगे, क्या इधर को गति है, आंसर नहीं, क्या इधर को गति है, आंसर नहीं, पिंड ना तो इस तल से ऊपर जा रहा और ना ही इस तल में धस रहा, तो इसका मतलब ये विपरीत है, कोई त्वरण नहीं, किसी में से भी किसी को घटा दो, तो हमने आर में से घटाया एम वन जी कॉस थीटा बराबर कोई गति नहीं तल के लंबवत, ना तो इधर को है ना ही इधर को, इन दोनों बलों की दिशा में कोई गति नहीं, कोई त्वरण नहीं, इसलिए बराबर जीरो। तो प्रतिक्रिया आर बराबर किसके हो गया, एम वन जी कॉस थीटा, समीकरण नंबर ए। प्रतिक्रिया निकाल ली, इस पिंड पर प्रतिक्रिया कितनी होगी, कन्फर्म। फिर से रिपीट करें, पहले तल के लंबवत, तल यह तल के लंबवत, एक बल यह काम कर रहा है, एक बल नीचे की ओर, तो इस बल में से इस बल को क्या करेंगे, घटाएंगे, या इसमें से इसे घटाएंगे, विपरीत दिशा के, ठीक है, एक बल ऊपर को काम कर रहा है, एक बल कहाँ की ओर काम कर रहा है, नीचे की ओर, तो ऐसी स्थिति में हम किस में से किसे घटाया, एक बल इसमें से इसे घटाया या इसमें से इसे घटा दें, और बराबर एम ए, एम ए चूंकि एम वन तो है इसका द्रव्यमान, लेकिन इस पर ना तो इस दिशा में त्वरण है ना ही इस दिशा में, नेट बल क्या है इन दिशाओं में, जीरो। अब बी, तल के समांतर, तल है तल के समांतर एक बल ले लगा, एक लेगा त्वरण ऊपर की ओर, निश्चित ही तनाव बल बड़ा होना चाहिए, होना चाहिए तनाव क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि गति इस दिशा में, तल के समांतर एक बल T है, एक बल M1 G sin थीटा, तो क्या होगा, T माइनस M1 G sin थीटा बराबर M1 A, समीकरण नंबर दो। कन्फर्म हो गई, हमने इसमें से इसे घटाया बराबर M A के किया, जिस दिशा में गति है उस दिशा के जितने भी बल हैं उनको ढूंढ, भार एम जी था नीचे की ओर, भार के दो घटक टूटे, लंबवत घटक टूटेंगे एम वन जी कॉस थीटा एम वन, ये तल के लंबवत है, ये तल के समांतर है, तल के लंबवत प्रतिक्रिया आर, तो ये तो आपस में संतुलन हुआ, ठीक है। अब दो बल इस पर तल के समांतर टी माइनस एम वन जी बराबर एम, कन्फर्म। अब किस पर, बी, एम टू द्रव्यमान के पिंड पर बलों का संतुलन, कहें बलों का संतुलन क्या होगा, इस पिंड पर दो ही बल हैं, इधर को गति है, इसी की दिशा में दो बल, किस में से कौन घटेगा, एक टी है एक एम टू जी, किस में से कौन घटेगा, टी में से एम टू जी या एम टू जी में से टी, एम टू जी में से टी, क्योंकि इस दिशा में त्वरण है तो निश्चित ही यह बड़ा होगा, करें एम टू जी माइनस टी बराबर एम टू ए, समीकरण नंबर तीन। क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, जोड़ते हैं क्या आता है, टी माइनस एम वन जी साइन थीटा प्लस एम टू जी माइनस टी बराबर एम वन ए प्लस एम टू ए, टी टू टी कैंसिल, कन्फर्म है, क्या आ गया इसमें, कॉमन आ गया कुछ नहीं, जी कॉमन आ गया, एम टू माइनस एम वन जी साइन थीटा, हमने क्या कॉमन ले लिया, जी, यहाँ क्या कॉमन है, एम वन एम टू इंटू ए, हमें किसका मान निकालना है, ए, तो ए बराबर एम टू माइनस एम वन साइन थीटा अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी, त्वरण का मान निकल आया, M1 मालूम, M2 मालूम, झुकाव कोण मालूम,
सबके मान रख दो, आपको त्वरण का मान पता चल जाएगा। अब किसका मान निकालना, तनाव बल का। एक काम करें, अपॉन कर दें इनको इक्वेशन, या टी का मान, ए का मान इसमें रख दो, अपॉन कर देते हैं। इक्वेशन टू अपॉन इक्वेशन थ्री, टू टी माइनस एम वन जी साइन थीटा अपॉन एम टू जी माइनस टी बराबर एम वन ए अपॉन एम टू ए। इसका इसमें गुणा होगा, क्या आ गया, टी एम टू माइनस एम वन एम टू जी साइन थीटा। इसका इसमें गुणा होगा, क्या होगा, एम वन एम टू जी माइनस एम वन इंटू टी। उसे उठा के इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, टी एम वन प्लस टी एम टू, उठा के इस तरफ लाए प्लस का है, यह उस तरफ ले जाए क्या हो जाएगा, एम वन एम टू जी प्लस एम वन एम टू जी साइन थीटा। गौर करें इसमें क्या कॉमन आ रहा है, टी, तो टी यहाँ आ जाएगा कॉमन, थोड़ा यहाँ देख लेंगे आप, टी ये इसके नीचे चला जाएगा, इसमें कॉमन आएगा एम वन एम टू जी, तो यहाँ वन प्लस साइन थीटा बचेगा इंटू जी बचेगा, और एम वन प्लस एम टू, कन्फर्म एम वन एम टू कॉमन ले लिया, जी पीछे से कॉमन ले लिया, यहाँ वन बचा, यहाँ साइन थीटा बचा, और ए इसके तनाव बल निकल आया। कितनी सी सरल बात है, आराम से कर सकते हैं, बलों का संतुलन आपको करना आना चाहिए। एक स्थिति और चलते हैं घिरनी की, उसे और समझते हैं, ठीक है। एक स्थिति पहले आपको देते हैं, ठीक है, एक स्थिति आपको देते हैं जिसे आप सॉल्व करेंगे स्वयं, ये आनत तल है, बनाएंगे, हल करेंगे, आंसर निकालेंगे आप। इस पर एक पिंड है, इससे घिरनी से गुजारा इसे हमने, और एक पिंड लटका हुआ है इस पर, द्रव्यमान M2, इसका द्रव्यमान M1, यह ए त्वरण से इधर को जा रहा है, तो ये कहाँ को जाएगा, आपसे तनाव T काम करेगा, इस पर तनाव T काम करेगा, करेगा इसका भार M1 M2G, इसका भार लगाएंगे, इसका भार क्या आएगा M2G, इसका भार M1G कहाँ को काम करेगा, नीचे की ओर, यह एंगल थीटा है, तो इसके कितने घटक टूटेंगे, दो, एम वन जी कॉस थीटा, थीटा एंगल, और एक टूटेगा यहाँ पर एम वन जी साइन थीटा। प्रतिक्रिया कहाँ की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी, ठीक है। अब आपसे कहा गया ए का मान निकालें और टी का मान निकालें, यह समस्या आपके लिए है, होमवर्क समझें इसे, या इसे प्रैक्टिस समझें, आप करेंगे घर पर ठीक वैसे ही होगा जैसे पीछे वाले भाग को, बस बलों को ध्यान रखेंगे, या एम वन जी साइन थीटा में से टी घटेगा बराबर एम वन ए के होगा, यहाँ पर टी माइनस एम टू जी बराबर एम टू ए, जोड़ दो ए का मान निकल आएगा, अपॉन कर दो टी का मान निकल आएगा, जिसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगली समस्या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।